सभी प्रभु के भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवं जय माता दी। नवरात्रि का पर्व है। लोग नवरात्रि के पर्व को बड़े ही धार्मिक आस्था के साथ मनाते हैं। इस नवरात्रि में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। इन 9 देवियों की उत्पत्ति इस संसार में किस प्रकार हुई, यह बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो आज भगवत कृपा से हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये 9 दुर्गाएं या 9 देवियां कौन सी हैं और उनकी उत्पत्ति इस संसार में किस प्रकार हुई। सबसे पहली देवी को माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रथम मैं माँ शैलपुत्री को प्रणाम करता हूँ। शैल का अर्थ होता है शिखर यानी पर्वत। पर्वतों के राजा हिमालय के यहाँ इनका जन्म होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। इनको वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका वाहन वृषभ है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनको सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, प्रजापति ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया परंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती ने भगवान शंकर से चलने का आग्रह किया परंतु भगवान शंकर ने कहा कि जब मुझे निमंत्रण नहीं आया है तो मेरा वहां जाना उचित नहीं है। बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने सती जी को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती यज्ञ में पहुंची तो केवल उनकी माँ नहीं उनको स्नेह दिया। सती जी ने देखा कि औरों के मन में भगवान शंकर के लिए एक तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके लिए अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती जी को बहुत ही दुख पहुंचा। वे अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने पूरे ही यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती जी अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। इनको माँ पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। इनका विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ और वह भगवान शंकर की अर्धांगनी बनी। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक हो जाता है। नवदुर्गा में दूसरी देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी। सबसे प्रथम मैं माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करता हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की जो भी मन से पूजा करता है उसे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी तप का आचरण करने वाली देवी हैं। देवी का यह रूप बहुत ही ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माँ ने जब हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था तब उनकी इच्छा थी कि भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना है। माँ ने नारद जी के उपदेश के अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या के कारण ही इनको ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ की कठोर तपस्या के कारण ही
सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और इनकी भूर भूर सराहना की कि यह केवल आपसे ही संभव हो सकता था। इस कथा का सार यह है कि ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। हमें कभी भी कठिन समय में अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जिन लोगों की कुंडली में भी मांगलिक दोष हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। नवदुर्गा में तीसरी देवी हैं माँ चंद्रघंटा। सबसे प्रथम मैं माँ चंद्रघंटा को प्रणाम करता हूँ। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस दिव्य रूप से ही माँ सभी देवगण और सभी लोगों को प्रसन्न करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने दसों हाथों में खंग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्करा रही होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा एवं आराधना करने से व्यक्ति में निर्भयता और वीरता का विकास होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से पहले हमारा मन, वचन एवं कर्म एकदम शुद्ध हो। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है। एक बार की बात है, देवताओं और दानवों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। दानवों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवता व्यथित होकर इस दुख के निवारण के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने सभी देवताओं के जो अधिकार हैं उनको छीन लिए हैं। उसी के अत्याचार के कारण सभी देवता पृथ्वी पर अब विचरण कर रहे हैं। इस बात को सुनकर तीनों देवों को यानी कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। इस क्रोध के कारण इन तीनों देवताओं के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। उस देवी को भगवान शंकर ने त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी ने युद्ध में जाकर एक ही झटके में सभी दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों का भी संहार कर दिया। माने माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले सभी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। नवदुर्गा में चौथी देवी हैं माँ कुष्मांडा। सबसे प्रथम मैं माँ कुष्मांडा को प्रणाम करता हूँ। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहते हैं, क्योंकि माँ कुष्मांडा की अष्टभुजा हैं। सात भुजाओं में
कमंडल, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अभूतपूर्व कलश, चक्र तथा गदा है। इसके अलावा आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है। कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हंसी से ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए माँ को आदिशक्ति भी कहा गया है। माँ कूष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इन्हें शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। नवरात्रि के चौथे दिन पवित्र मन से इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। माँ कूष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। नवदुर्गा में पांचवी माता हैं माँ स्कंद माता। सबसे प्रथम मैं माँ स्कंद माता को प्रणाम करता हूँ। स्कंद माता का रूप सौंदर्य अद्वितीय आभा लिए शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता। मान्यता के अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में बरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कथा के अनुसार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देव की स्तुति करने लगे और इनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने पांचवें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्र के पांचवें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। माँ स्कंद माता बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। नवदुर्गा में छठवीं देवी हैं माँ कात्यायनी देवी। सर्वप्रथम मैं माँ कात्यायनी देवी को प्रणाम करता हूँ। माँ कात्यायनी देवी की उपासना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। माँ की चार भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। माँ के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। कथा के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इसे वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है।
इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोग फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुमारी कन्याओं का विवाह होता है। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दें तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। नवदुर्गा में सातवीं देवी हैं माँ कालरात्रि। सर्वप्रथम मैं माँ कालरात्रि को प्रणाम करता हूँ। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। माँ के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की बर मुद्रा भक्तों को बर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खंग है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर है हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुंभ करी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। नवदुर्गा में आठवीं देवी हैं माँ महागौरी। सर्वप्रथम मैं माँ महागौरी को प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। माँ की चार भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिने हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में बर मुद्रा है। कथा के अनुसार पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी हैं। माँ महागौरी
राहु की स्वामिनी मानी जाती है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, उनकी जन्मपत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। नवदुर्गा में 9वीं देवी हैं सिद्धिदात्री। सर्वप्रथम मैं माँ सिद्धिदात्री को प्रणाम करता हूँ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती हैं। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री देवी को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष समाप्त हो जाता है।